तो चलिए गाइस फेब्रुआरी की शुरुआत करते हैं ओप्पो रेनो 7 5G एंड 7 Pro 5G के साथ में। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं नेशनल टेक चैनल को। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो यार। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो बेहतरीन फोन ओप्पो रेनो 7 5G एंड 7 Pro 5G के साथ में ओप्पो रेनो ने फेब्रुआरी की शुरुआत की है। चलिए हम पहले बात कर लेते हैं ओप्पो रेनो 7 Pro के बारे में। अभी तक का सबसे पतला स्लिमेस्ट ओप्पो रेनो फोन रहने वाला है। 7.45 mm की थिकनेस यहाँ पे मिलने वाला, साथ ही एकदम हल्का लाइट फोन आपको मिलने वाला है गाइस। पहले हम डिजाइन की बात कर लेते हैं गाइस। और पीछे की साइड में आपको ब्रश मेटल जैसा डिजाइन मिलता है और बहुत सारे कलर इसमें दिख रहे हैं बैक साइड में। मतलब यहाँ पे काफी कलर वाला फोन बना है ओप्पो रेनो और डिजाइन काफी बढ़िया है गाइस इस फोन की। यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल के पास आपको ड्यूल टोन दिखने को मिलेगी गाइस। मतलब यहाँ पे काफी सारे कलर देखने को मिले और यहाँ पे साइड में आपको मेटल फ्रेम दिखने को मिलेगी गाइस। अगर हम नीचे की बात करें तो यहाँ पे 3 mm हेडफोन जैक नहीं मिलता गाइस आपको। उसके अलावा USB-C पोर्ट, स्पीकर एंड कुछ सिम डालने का ऑप्शन भी मिल जाता है। मतलब सिम ट्रे डालने का ऑप्शन मिल जाता है जिससे कि नेटवर्क वगैरह सही से चलने लगे हमारे फोन में। अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो गाइस यहाँ पे 6.45 mm फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, बट यहाँ पे 90Hz तक ही सीमित रखा है ओप्पो रेनो ने। यहाँ पे 120Hz होता तो गाइस मजा ही आ जाता डिस्प्ले में। बट एनीवेज यहाँ पे वेरी स्लिम बेजल आती है, मतलब इसे हाथ में पकड़ोगे कुछ पता नहीं चलेगा कि भाई बेजल है या नहीं है आपको। तो इतनी फुल स्क्रीन आती है गाइस इसमें। अगर हम गाइस प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे डायमंड सिटी 1200 पर आता है गाइस। मतलब कि यहाँ पे प्रोसेसर काफी तगड़ा रहने वाला है गाइस। अगर हम बैटरी की बात करें तो गाइस इसमें आपको बैटरी मिलती है 4500 mAh की 65 फास्ट चार्जिंग के साथ में। मतलब कि भाई साहब इतना पतला फोन में आपको बैटरी डाल के दे रहा है 4500 mAh की। तो गाइस अब आते हैं कैमरे के ऊपर, जो कि ओप्पो रेनो सीरीज यहाँ पे कैमरे की वजह से ही जानी जाती है। आपको वर्ल्ड फर्स्ट सोनी IMX709 सेंसर मिलता है सेल्फी कैमरे में। 32 MP का सेल्फी कैमरा आता है गाइस। एंड पीछे का जो सेटअप है थोड़ा सा अलग है गाइस। इसमें आपको एक मिलता है 50 MP का मेन कैमरा एंड दूसरा है 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा एंड तीसरा है 2 MP का माइक्रो कैमरा गाइस। गाइस अगर हम बात करें वीडियो शूट के बारे में तो यहाँ पे 4K 30 FPS तक आपको सेटिंग मिल जाती है, बट 60 FPS होता तो गाइस बहुत ही मज़ा आ जाता, बट कुछ 60 FPS पर रख देना चाहिए था ओप्पो को, बट एनीवेज। और आगे है 1080 फुल HD 30 FPS तक ही देता है गाइस। मतलब यहाँ पे भी कुछ बड़ा हो जाता तो सही रहता गाइस। अगर हम कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो गाइस यहाँ पे वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.2 एंड 5G का 11 बैंड का सपोर्ट यहाँ पे मिलता है गाइस। एंड इसके अलावा आपको ड्यूल सिम 4G का सपोर्ट भी मिलता है गाइस एंड NFC कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन है इस गाइस। इंटरेस्टिंग फ्यूचर के बारे में बात करें तो यहाँ नोटिफिकेशन लाइट यहाँ पे काफ़ी तगड़ी मिलती है। मतलब यहाँ पे कैमरे के साइड में जो रखा गया है वो कुछ अलग ही करके दिया है ओप्पो वालों ने, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको नोटिफिकेशन लाइट मिलती है गाइस, उसका नाम रखा गया है ओप्पो वालों ने ऑर्बिटल ब्रीथिंग लाइट। मतलब यहाँ पे नाम ही कुछ अलग इंटरेस्टिंग वाला रखा गया है, तो गाइस लाइट कितनी इंटरेस्टिंग होगी आप पता ही। इस लाइट के साथ ये फोन कमाल का दिखता है गाइस। मतलब यहाँ पे अंधेरे में पड़े रखोगे तो आप इसको चार्जिंग में लगाओ तो यहाँ पे एक अलग लुक का फोन आपको मिलने वाला है गाइस। मतलब यहाँ पे कुछ अलग ही लुक के साथ अंधेरे में दिखेगा ये फोन। L1 का सपोर्ट है गाइस, मतलब यहाँ पे OTT प्लेटफॉर्म पर आप स्ट्रीमिंग वगैरह कर पाओगे बहुत ही सही तरीके से। डिस्प्ले आपको मैं शायद बताना भूल गया कि आप आगे गोरिल्ला 5 की प्रोटेक्शन मिलने वाली है गाइस। पीछे आपको LTI ग्लास टेक्नोलॉजी वाला ग्लास मिलने वाला है गाइस, जिससे आपके फिंगरप्रिंट वगैरह डिस्प्ले पे नहीं, यहाँ पे पीछे बैक पर आपकी फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं आएगी गाइस। मतलब ये कमाल का फीचर लगा मेरे। बेस्ड ऑन कलर OS 13.0 जो कि एंड्रॉइड 11 पर बेस है, बट इसमें अपडेट वगैरह आने वाली है गाइस। बट गाइस आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 ही आता है इस फोन में। 7 प्रो के बारे में काफी सारी चीजें हमने जान ली गाइस, बट अब आते हैं 7 5G के ऊपर। मतलब यहाँ पे ओप्पो रेनो 7 के ऊपर आते हैं गाइस, जो कि इसका छोटा भाई है। चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर वगैरह है वो काफी हद तक सिमिलर है गाइस।
और जो इसकी बैक साइड है वो देखने में एकदम सेम टू सेम ही है, बट थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क मिलता है गाइस इस फ़ोन में आपको, जहाँ पे इसमें छोटे वेरिएंट में आपको नोटिफिकेशन लाइट नहीं मिलती, प्रो वेरिएंट में आपको नोटिफिकेशन लाइट मिलती है गाइस। इसमें आपको डायमेंसिटी 900 प्रोसेसर लगा है गाइस। तो गाइस हम इस पे कैमरे की बात करें तो रेनो 7 में मेन कैमरा आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा गाइस इस फोन में मिलता है। मतलब यहाँ पे छोटे वेरिएंट में 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा रखा गया है गाइस। ओवरऑल ये दोनों फोन काफी सही है गाइस बाकी ओप्पो फोन के मुकाबले। तो ये थी पूरी कहानी ओप्पो रेनो 7 सीरीज के बारे में। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, चलिए।